तो फाइनली हम अपने लास्ट पड़ाव में आ चुके हैं, सदर बाज़ार आगरा। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे खाने का भी देखेंगे अभी। तो इसमें अभी अभी हमें आगे पेठा लेना है वैसे, और देखते हैं लेदर का कुछ सामान मिलता है इसमें तो लेदर का सामान देखते हैं अगर हमारे बजट में पड़ा तो। ओके देन लेट्स गो। अच्छा, पंजी एक ब्रांड नेम है, पंजी पेठा एक ब्रांड नेम है। पेठे में वैरायटी देखनी है आपको, ये सारा लगा हुआ। अच्छा, ये सारी वैरायटीज है, शुगर फ्री पेठा, दाल पेठा, स्पेशल पेठा, सामने जाके देखना, चौरी पेठा। ये केजी के रेट कितने हैं यहां पे? हां जी, ये पंजी पेठा यहां का फेमस है। ये पंजी नाम है, पंजी नहीं पंछी, पंछी नाम है। ओके, हम पंजी बढ़ रहे थे। अच्छा, पंछी है। ओके, और क्या क्या कॉस्ट है इसकी? और पेठा हमारे पास 120 रुपये किलो से लेकर 525 रुपये किलो तक का पेठा है। ओके, अच्छी डिजाइन है। और इसका मतलब कुछ खासियत क्या है? जो मैंने सुना बहुत तारीफ है इसकी पंजी पेठे की, और आगरे की पेठा बहुत फेमस है। यहाँ का पानी और वेदर यहाँ का सूट करता है ना पेठे को, इसलिए यहाँ का फेमस है। ओके, दोनों इसके लिए सूट करता है। तो जो पंजी पेठा है इसमें क्या क्वालिटी है, मतलब कुछ अलग है? पंजी रॉ मटेरियल पे वो डिपेंड करता है ना, हम जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। नहीं, मैंने सुना कि मतलब कुछ 3 महीने 6 महीने ये विदाउट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेफकूप बनाते हैं तो 6 महीने बोलते हैं। ये मिठाई है, ये बिना फ्रिज के 3-4 दिन चलती है, और फ्रिज में स्टोर कर दोगे तो 10-12 दिन बस। अच्छा, मतलब जो रास्ते में जितना भी स्कैम है, स्कैम है, वो आपको बोलेंगे शहद का भी पेठा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। नहीं, वो बोलते हैं कि 6 महीने आप रख लो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप, मैं बोल दूं आप तो, लेकिन आप ले जाओगे 6 महीने बाद वापस करने आओगे? नहीं, सही बात है, खराब भी हो जाता है तो फेंक ही दोगे ऑब्वियसली। बस तो आपने सुनी लिया होगा कि जितना भी स्कैम है यहाँ पे, ये जितने भी आपको ड्राइवर्स या बस ऑटो वाले ही आपको बोलते हैं कि 6 महीने विदाउट फ्रिज या 3 महीने विदाउट फ्रिज इजीली रह जाएगा, तो इट्स टोटली स्कैम। ठीक है, आप इस पर ना करें, दुकान में आएँ, किसी भी अच्छी दुकान में जाएँ और वहाँ पे पूछें कि पंजी पेठा, पंछी पेठा उसके, हाँ पंछी पेठा, सॉरी मैं बार बार गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। तो जो पंछी पेठा है उसकी जो क्वालिटीज़ है वो मिठाई है, आपने सुनी लिया है कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिकती है कोई सी भी मिठाई हो। तो आपको अभी टेस्ट भी कराते हैं, देखते हैं, हम टेस्ट करके बताएंगे आपको खुद कि कैसी है। बाकी मिठाइयाँ भी मिलती हैं, तो बाकी मिठाइयाँ आप देख सकते हैं, नमकीन बहुत सारी है, हमने लिया अभी हमें पड़ी, हमने 1 किलो ली है अंगूरी पेठा और 1 किलो केसरी पेठा। तो ये पड़ा है हमें, पता नहीं अभी रेट में बात बताऊंगा, रेट नहीं पता। तो बाहर से आपको इसकी, तो बाहर से देखो दुकान में जितने प्रकार की पेठे हैं उसे मैं ठीक से दिखा नहीं पाया मैं। ठीक है, ये हैं सारे पेठे, 130 से स्टार्ट है शायद, और 120 से स्टार्ट है, सारा पेठा 120 है, और अब तो पता नहीं कहाँ तक जाता होगा। और ये देख ही लिया आपने सारा। ओके, 10 से 15 प्रकार की वैरायटीज़ है यहाँ पे पेठे की, तो आप देख सकते हैं। उसमें दुकान का नाम है पंछी, तो उसी के नाम से है ये पंछी पेठा। ओके, ये गुड्स, ओके, बाकी तो दुकानें आपने देख ही ली होगी। तो ये आगे मेरा दोस्त चल रहा है, और मैं आपको यहाँ से सारे मार्केट के सारे दिखाऊंगा, कौन कौन से मार्केट है, किस किस चीज़ की मार्केट है। ये सामने पूरे कांच की मार्केट है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कांची मार्केट है, होटल्स भी यहाँ मिल जाते हैं। ये रहा यहाँ पे होटल, होटल ठीक है, वहाँ पे बार है, जो पीने के शौकीन हैं उनके लिए बार, हाउस ऑफ कैंडी, ओके, हाउस ऑफ कैंडी एंड मॉडर्न बुक्स डिपो पढ़ने के शौकीन, ये देख सकते हैं। और
इधर इधर की मार्केट भी देखें, दोनों साइड रोड के राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड लेंस कार्ड। अच्छा लेंस कार्ड यहाँ तक पहुँचा हुआ है, देखो जियो का भाई, जियो तो हर जगह है आजकल, नाइकी का शूज और पूरी पूरी जनता यहीं पे, मतलब ये यहाँ का सदर बाज़ार आगरा का सबसे बेस्ट मार्केट है। कोई यहाँ पे आना चाहे तो उसको ताजमहल के जस्ट बगल में है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये यहाँ पे लेदर का सामान मिलता है, ये हमारे सर बिल्कुल शेख में। ओके क्या क्या मिलता है सर यहाँ पे? ओके दो कुल्फी मिलता है, शेक मिलता है, आइसक्रीम मिलती है, लस्सी मिलता है, लेमन सोडा मिलता है। ओके और आपकी दुकान का नाम क्या है? श्री राम फलूदा कॉर्नर सदर बाजार में, चाट गली के बराबर से, डायरी स्ट्रीट के बराबर से। ओके आप देख सकते हैं ये पूरा, और बगल में मोमोज की दुकान है और पूरे दुकान, और ये हमारे छोटे हाथ के कारीगर, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे खाने की बिल्कुल, ये हमारे मोमो वाले, हमारे मोमो भाई देख सकते हैं आप मोमो के सदर बाजार मेन मार्केट, और ये हमारे चाट वाले भाई साहब, लगाओ उसे माइक को, माइक लगा रहा हूँ, क्या बोलूँ भाई, क्या क्या मिलता है आपके यहाँ पे? हाँ यहाँ पाव भाजी है, शीला है, आलू टिक्की है, आलू चाट है, दही बड़ा है, यहाँ का फेमस टिक्की है आलू चाट। दुकान का नाम? दुकान का नाम अग्रवाल चाट हाउस, अग्रवाल चाट हाउस। यहाँ पे फेमस क्या चीज है? फेमस क्या चीज? फेमस है आलू टिक्की, आगरे का आलू टिक्की। ये पाव भाजी है हमारे भाई है, और ये देख सकते हैं आप पूरा, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। हाँ पहले भी आया था, ये हमारे यहाँ पे अग्रवाल हाउस, अग्रवाल हाउस के पूरा, वो देखो मेरा दोस्त भागा जा रहा है, उसको शायद कुछ पसंद आ गया यहाँ पे ना, इसलिए ये है पास्ता की, वन ऑफ द बेस्ट पास्ता, ये सरदार जी हमारे। सरदार जी कैसे हैं आप? बढ़िया। सरदार जी की दुकान, जब भी आए यहाँ पे पास्ता जरूर खाएं, और बोथ साइड यू कैन सी, ये तो बिल्कुल बैंकॉक वाला सीन हो गया दोनों साइड रोड के। ये हमारे, अरे अंकल जी नमस्कार, आकर बोले सर आपके यहाँ क्या क्या मिलता है? साउथ इंडियन है। ओके और आपका चाइनीज है। ओके क्या क्या कॉस्ट है उनकी जेन्युइन? साउथ इंडियन का, साउथ इंडियन आपका 200 का है। ओके और मसाला पनीर 220 का है। ओके और बताएं, और आपका जो चाइनीज है? चाइनीज में कई वैरायटी है, जैसे आपका चाइनीज है। ओके और एक राइस है, चार पाँच आइटम होते हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। का है आपके पास चाइनीज में क्या क्या है? चाइनीज में मेरे पे चाउमीन है, डोसा है, वो चाउमीन है, मंचूरियन है, स्प्रिंग रोल है, हनी चिल्ली पराठो है, और तुम्हारे मैन वो है फ्रेंच फ्राइज है, और हनी चिल्ली पराठो है, और मंचूरियन है। मेरा श्री राम रेस्टोरेंट है, कुल्फी खोलो। आपका नाम? मेरा नाम ऋतिक धारिया है। ओके तो आप देख सकते हैं ऋतिक भाई है, हमारे अंकल जी है, और इनका रेस्टोरेंट का नाम है श्री राम रेस्टोरेंट। अच्छा उसी की है। ओके 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 थैंक यू। तो यहाँ पे
अरे भाई जी के पास तो कितने ही प्रकार के हैं भाई, गोल गोल गप्पे की तो पूरे हर एक वैरायटीज है भाई जी। आपका नाम? सोनू। सोनू, अच्छा आपके क्या क्या लगाते हैं आप? क्या क्या है, क्या है इसमें आपने? आप पे तो मतलब आप लोगों के पास तो काफ़ी सारी वैरायटी दिख रही है। हींग है, पुदीना है, गार्लिक है, जलजीरा है, मीठा है और लेमन है। ओके, ये सारे पानी है? पानी है। ओके, और चटनी? चटनी भी डिफरेंट है। ओके, तो नाम? सोनू। दुकान का तिवारी बम्बई स्टाइल बिल। ओके 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 ओके, चलो देख सकते हैं आप भैया की पानीपुरी की दुकान है, आलमगढ़ फेमस पानीपुरी, 6 फ्लेवर देख सकते हो, 6 फ्लेवर पूरे, 5 हमारे सर है। क्वालिटी पराठा, ओके पराठा वाले वेरी गुड। ये हमारे हैं मास्टर शेफ, ओके मास्टर शेफ रेस्टोरेंट। इनका मैं इधर के साइड से बनाता हूँ, ज़्यादा बेस्ट लगेगा। हाँ भैया, ये आप पे क्या क्या चीज़ है, मतलब किस किस चीज़ का? ये भी पनीर टिक्का है, रेड पनीर टिक्का, तंदूरी मोमोज से अगवानी तंदूरी चाप है। ओके, मुझे तंदूरी। और क्या क्या चीज़ें होती है आपके यहाँ? पनीर, क्या क्या चीज़ मिलती है यहाँ पे? आपके पिज्ज़ा वगैरह भी मिलता है, बर्गर हो गया, अल्फेडो पास्ता हो गया, रेड अल्फेडो हो गया, सर काफ़ी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। लजानिया हुआ, लजानिया सबसे बेस्ट है यहाँ पे, लजानिया हुआ, गार्लिक नान वगैरह हो गई आपकी, आलू कुलचा हो गया। किस नाम से? मास्टर शेफ आजू। ओके, देख सकते हैं हम मास्टर शेफ का पूरा बोल्ड, मास्टर शेफ का और उनका सारे। ये मेरे चैनल पे टूर, वैसे नाम क्या चैनल का? टूर गाइड विद नेगी जी। टूर गाइड विद नेगी जी, 6.5 लाख का चैनल है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना उसमें। अभी सर्च करें तो आ जाएगा? हाँ अभी आ जाएगा, मगर अभी लाइव में इससे ये नहीं आएगा, और चीज़ का आएगा। हाँ और इधर ये एंड, अभी हम उधर के साइड घुमा गए हैं। ये सदर बाजार के शूज़ मार्केट, तो ये देखो यहाँ एक एक शूज़, एक एक गर्ल्स, दोज़ हू आर इंटरेस्टेड, जो जो शौकीन है जूतों के चप्पलों के, वो यहाँ आके आराम से। ये पूरा इनका एक मोहल्ला ही समझ लो, पूरा एक मोहल्ला है जो सिर्फ शूज़ के लिए प्रसिद्ध है। जैसे पहले वाली गली हमारे खाने के लिए थी, तो ये हमारे शूज़ के लिए। ये यहाँ पे हर जगह शूज़, ऑल टाइप ऑफ शूज़, सैंडल्स और बूट। ये कितना प्यारा बच्चा है। और आगे अभी हम बाकी दुकानें भी दिखाते हैं आपको। अगर आप आगरा आ रहे हैं तो ताजमहल और सदर बाज़ार दोनों घूमना ना भूलें, क्योंकि ताजमहल के बाद जो दूसरी रौनक है यहाँ पे सदर बाज़ार की है। तो ये सारा सदर बाज़ार है, ठीक है, और इसके आगे भी काफ़ी लंबा है, हम लास्ट तक लेके चलते हैं आपको। और यहाँ पे नाल, अब यहाँ पे लास्ट में एंडी समझो, अब आगे की दुकानें बंद भी है। हमें तो इसलिए